हेलो गाइस, वेलकम टू जीसीयू। आज हम गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो में जा रहे हैं। ये गोविंदपुरी मेट्रो के पास लोकेट करता है, NSIC ग्राउंड में। आज हम सारे जा रहे हैं। मेरे साथ जय है, लवकेश, निर्मल भैया और प्रांशु। आज हम लोग एक छोटा सा ब्लॉग बना के ट्राई कर रहे हैं कि कैसा बनता है हमारा ब्लॉग। हमेशा मैं आपके सामने स्पेयर पार्ट्स लेके आता हूँ। आज मैं आपको गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो में लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अभी मैं कालका जी फ्लाईओवर के पीछे खड़ा हूँ। यहाँ पे यू टर्न लेके मैं गोविंदपुरी मेट्रो के सामने जाने वाला हूँ। आपसे वहीं चल के बात करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है GTE 22 की। और ये सामने हमारा गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन है, यहीं पे ही लोकेट करता है हमारा ग्राउंड NSIC वाला। यहाँ से हम अंदर ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं काफी क्राउड अंदर से आ रहा है। ये रहा हमारा गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन और ये रहा हमारी एंट्री गेट GTE 22 की। गेट नंबर 6। दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ पे देख रहे हैं पार्किंग हमें कहाँ मिलती है। इस तरफ हमें जाना है, इस तरफ सिर्फ पैदल जाने का रास्ता है। तो लग रहा है काफी अंदर लगवा रहे हैं, काफी ज्यादा क्राउड आए रखते हैं यहाँ पे। इस वक्त संडे का दिन भी है इस चक्कर में। यहाँ पे थोड़ी स्पेस है। तो गाइस, हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया और हम पार्क की तरफ चल रहे हैं। तो गाइस, ये रही एंट्रेंस। यहाँ पे पहले हमें पास बनाना पड़ता है, तब आते आगे जाने को मिलता है एंट्री पे। तो गाइस, हम लोगों ने आईडी कार्ड्स बनवा लिए हैं अपने, तब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। गाइस, दिस इज अ सिक्योरिटी चेकअप पॉइंट। तो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ GTE एग्जीबिशन। सो हेलो गाइस, हम अंदर आ चुके हैं गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो। सबसे पहले हम अपने वीको प्रिया वाले काउंटर पे चलते हैं, जो अपनी मेन वीको प्रिया का आप मेरे वीडियोस में भी देखते रहते हैं, वही आपको दिख रही होंगी। सो भैया, वीको प्रिया ऑल ओवर इंडिया सेल करते हैं, मेन इनका ही ब्रांड है वीको प्रिया। तो ये हमें अपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल चावला। सो मेरा ये ब्रांड है वीको का, इट इज़ अ फैमिली ओन कंपनी। वी आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर फ्रॉम 1976। तो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं पावर सेवर है, जो आपकी नॉर्मल स्विंग मशीन में लग जाती है और ये एनर्जी एफिशिएंट होती है, जिससे इसमें काफ़ी एनर्जी की सेविंग हो जाती है। और इसके बाद ये डायरेक्ट ड्राइव मॉडल भी आता है।
जो आपकी मशीन में लग जाता है एंड उसको जैसे आजकल नई मशीन आ रही है डायरेक्ट ड्राइव, वैसा आपको वो दे देता है। इसके अलावा हमारे पास क्लॉथ कटर मशीन्स भी हैं। सो गाइस, आपने भैया के सुन लिया कि आपके इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं आइटम को। पीको भैया के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें स्मॉल मोटर्स भी आती हैं, चेयरिंग मोटर भी आती हैं। ये इनका पूरा स्टॉल है पीको भैया का। बाकी यहाँ पे और भी शॉप्स हैं, हम वहाँ पे आपको लेके चलते हैं एक्सपो में। तो गाइस हम अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं SGMC की स्विंग मशीन्स लगी हुई हैं। दिस इज द मेन एंट्रेंस, अभी हॉल्स शुरू नहीं हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कई निडल चलने वाली मशीन्स हैं यहाँ पे, ये भी हमें अंदर देखने को ही मिलेंगी। इस एंट्रेंस के बाद ये हॉल्स डिवाइड करे हुए हैं ब्रांच के ऊपर। अभी हम सबसे पहले फर्स्ट हॉल में चलते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट में सबसे पहले जैक आती है, ये IIGM का स्टॉल है। तो गाइस हम लोग जोजे में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम कुछ मशीनें आपको रनिंग करके दिखाते हैं। हमारे मोहित भैया डॉग स्टिच मशीन है UBT में, फुट लिफ्टर विद फुट लिफ्टर। डॉग स्टिच में सबसे बेस्ट मशीन की ये बैकपैक है विद ऑटो थ्रेड ट्रिमर है विद फुट लिफ्टर है, फोर फंक्शन UBT कंप्लीटली विद वॉइस कंट्रोल, इसमें वॉइस कंट्रोल भी है, पैरामीटर मोड। और एक पॉकेट्स फॉर शर्ट्स। ठीक है डन। तो ये जोजे ब्रांड की सारी मशीन्स हैं, आपको इनका कोई भी रिक्वायरमेंट हो इससे रिलेटेड मशीन से तो आप हमारे परचेजिंग लिंक पर जा सकते हैं, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। चलिए तो गाइस हमने जोजे का देख लिया है मशीन सारी, ये हमारे इस तरफ मैकी का है। अब हमें फुकेन की मशीन दिखाने के लिए हमारे भैया लेके चल रहे हैं।
तो हमने सारे स्टॉल देख के आ रहे हैं हमारे दोस्त। अभी हम सब एक्सप्लोर करना रह गया, यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये लिंक रोड दिया हुआ है। हाईटेक मशीन्स हैं यहाँ पे। तो हम कुकेन के स्टॉल पे पहुँच चुके हैं। तो गाइज हम लोग फुकेन के स्टॉल पे पहुंच चुके हैं। ये हमारे धर्मेंद्र भी हैं, ये हमें सारी मशीन एक्सप्लेन करने वाले हैं आज फुकेन की। मैं आपको फ्लैट लॉक दिखाता हूँ। ये हमारी फ्लैट लॉक है सिलेंडर बेल्ट, और इसमें आप पोल लास्टिक घुमा सकते हो, है ना। ये अभी लेटेस्ट के मॉडल आया है। नहीं नॉर्मल कैमरा था, अच्छा थोड़ी लगता है। आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। नहीं हमको लगा क्या लगा आपको लगा कि जो मर्जी करेंगे, मतलब हाथ लगा लेंगे ऐसे हमको? हम सोचे कि क्या सोचे, जो सोचेंगे वही करेंगे। पूछना चाहिए आपको, परमिशन लेनी चाहिए। ये फ्लैट लॉक मशीन है सिलेंडर बेड, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्यूटराइज है ये। इसके अंदर ऑटो ट्रिमिंग और निडल का थ्रेड वाइपर एक साथ है, और ऊपर का निडल का धागा भी आपका एक साथ कैचअप कर सकता है, वो एक्स्ट्रा धागा नहीं निकलेगा इसके अंदर। और इसकी स्टिचिंग अगर दिखाएं तो आप इस तरह से स्टिचिंग देख सकते हैं। पकड़िए, ये इस तरह से आपको क्लीनेस आएगा पूरा स्टिचिंग के अंदर क्वालिटी के साथ। ये स्टिचिंग और कहीं थ्रेड एक्स्ट्रा नहीं आएगा इसके अंदर। इसका मॉडल नंबर, मॉडल नंबर जरूर। इस मशीन का मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ FI1 करके है, S3G/WP। इधर देख सकते हैं तो और भी कई मशीन हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आपको बताएंगे काम चला के दिखाते हैं आपको। नया मॉडल हमारे मशीन है FT2S2 मशीन है। इसमें 9 पैटर्न अलग अलग डिजाइन की तरह बनाएंगे, अभी आपको हम चला के दिखाएंगे इस तरह चलती मशीन। अब जैसे हमें डिजाइन चेंज करना है आप इसे डिजाइन लगा लें। ये आप किस तरह से स्टिच, कितना भी छोटा इसका स्टिच कर सकते हैं। सपोज पहले क्या हुआ, पहले के मशीनों में यहाँ स्टिच डायल आती थी, अब लेटेस्ट मॉडल आ गया है, आप स्टिच छोटा बड़ा यहाँ कर सकते हो, 0.5 भी कर सकते हो आप। अब इसको जैसे चलाया आप पूरा स्टिच देखिए बिल्कुल भाग नहीं रही है, जीरो हो गया। जैसे हम यहाँ हमने बढ़ाया स्टिच, ये स्टार्ट हो जाएगी मशीन। 5 mm का टाका आप ले सकते हैं इस मशीन के। अब इसी का हम दूसरा मशीन एक और दिखाते हैं, सेम मॉडल 9 पैटर्न इस मशीन में लगाएंगे, इसमें भी हम उसका दिखाते हैं 9 पैटर्न इसमें सेम चालू। अब हम 9 पैटर्न वाली मशीन देखने वाले हैं, ये आपने देख लिया। ओके, अब हम 9 पैटर्न वाली कोकेन की सिंगल निडल देखने वाले हैं, इसको हम यूज़ करके देखने वाले हैं ये कैसे वर्क करती है और इसको कैसे क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं इस मशीन में। ये अभी आपको चला के दिखाएंगे। देखिए अभी क्या है कि जो मशीन आप देख रहे हैं FT S1, इसमें 9 पैटर्न है,
और नौ तरह तरह के पैटर्न अभी आपको दिखाएंगे। पहले क्या था, केवल हम स्टिच करते थे, और किसी मशीन में आपको नौ डिजाइन बना सकते हैं, चावल टाई की तरह डिजाइन बनेगा आपका। पहले इसके लिए अलग अलग मशीनें लेनी पड़ती थी, अब आपको एक ही मशीन में नौ तरह के डिजाइन बनेंगे। अब एक एक करके आपको नौ डिजाइन दिखाते हैं। ये मशीन साउंडलेस है, इसके लिए बिल्कुल आवाज नहीं है। अभी हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं, हम एक डिजाइन दिखाते हैं आपको। सपोज एक डिजाइन हो, अब ये देखिए मशीन आपका वर्क करें। अब देखिए आपको नौ तरह का पैटर्न हम दिखा रहे हैं, एक नंबर से स्टार्ट करें, पैटर्न नंबर एक अभी चल। अब ये देखिए डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया, ये अलग कर देते हैं और डिजाइन है, ये बनना स्टार्ट हो गया है। ये फर्स्ट डिजाइन बना है, अब हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे सेम इसके बगल में, यहाँ पैटर्न चेंज करेंगे, दो नंबर लगा दिया हमने इसको, अभी दूसरा डिजाइन बन रहा है। देखिए बन रहा है दूसरा डिजाइन, इसी तरह से नौ डिजाइन बना के दिखाएंगे आपको। अब तीसरा डिजाइन देखिए आप, ये तीसरा बनना स्टार्ट हो गया। ये तीसरा डिजाइन है, अब चौथा डिजाइन बनाते हैं। इसी तरह नौ तरह के डिजाइन होते हैं, इसी तरह नौ तरह के डिजाइन दिखा देते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास और भी कई मशीनें हैं, FC9813-509AB। इसमें क्या है, एक साथ आपका बटन
कटिंग एंड बटन दोनों लगेगा, वन साइड में आप डाल सकते हैं। कटिंग एंड बटन दोनों एक साथ हो रहे हैं? दोनों बटन एक साथ लगेंगे। ये देखो इस तरह से बटन लगती है, आपको हम चला के दिखा दें बटन। इस तरह से बटन लगेगा, एक वन शॉट में आप बटन अटैच कर सकते हैं। ओके, हमने देख लिया है, हमने कई मशीनें तो यहाँ पे हमने कई मशीन आपको दिखा दी है ना। बाकी आप तो मैं कैटलॉग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें हैं। बाकी हम अपने नेक्स्ट, तो गाइस हम फुकेन से आगे बढ़ के आ चुके हैं आगे रो पे। यहाँ हमारे पास जिंजन ब्रांड के स्पेयर पार्ट की शॉप भी का स्टॉल भी लगा हुआ है। तो हम जिंजन पे जाके देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक के आइटम भी हैं। इसके डिस्प्ले GTC का स्टॉल है। फ्लैट लॉक कुशन के बैक स्विंग ब्रांडमेंट की अच्छी क्वालिटी रहती है। सर सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी आपको। बैक स्विंग की पूरी कंप्लीट वैरायटी आपको मिल जाती है यहाँ पे। ये कूलर सेटअप देख सकते हैं, 14-4 मॉडल का ही कम साइज का कनेक्टिंग सब ऑल टोटल एंड बैक स्विंग क्वालिटी है बैक्सिंग में सिंगल एंड का।
लेकिन कौन कौन से प्रोडक्ट रहते हैं हमारे पास? इनके पास किस तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं? इसमें पैकेट में कितने रहते हैं? पर उसकी क्या रही लास्ट टाइम इसके स्पेयर पार्ट क्या रही है? कौन सी मशीन के स्टॉक होते हैं? गाइस हमने आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं जो हमें मेन लगे, बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉल है उसको हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तो एक्सप्लोर करते करते शाम हो जाएगी। बाकी अब हम यहाँ से क्लोजर ले रहे हैं, इसलिए हो कि यहाँ पे क्या क्या है। बाकी मैं अपना ब्लॉग यहीं पे क्लोज करता हूँ, अपना फर्स्ट ब्लॉग। बाकी आप जितने भी आइटम्स आपने देखे उन सबकी डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिली जाएगी, आप वहाँ जाकर पढ़। फिर भी आपको किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट या फिर फोन कर सकते हैं, मैं आपको नॉलेज दे दूँगा उससे रिलेटेड, मशीन पार्ट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।